संतोष तिवारी, रवि किशन, ये लोग कोई बातें नहीं होती, तो फोन भी नहीं उठाता था ना, सब का सिक्योरिटी उठाता है, उन लोग का सिक्योरिटी फोन उठाता आपका कौन? इसका पिता का किरदार हुआ है, खेसारी पहले उठाता था, पैर जो है एकदम कमजोर हो गया, पंजा मेरा ऊपर नीचे नहीं होता है, ये ऑपरेशन के टाइम से ऐसा है, और बाद में क्या क्या बीमार पड़ा सबका, ये हुआ हार्ट का भी हुआ था, तो जय बीरू का शूटिंग कर रहे थे हैदराबाद में, तो वहाँ भी मतलब हार्ट का प्रॉब्लम होता तो इलाज उलाज हुआ वहाँ, तो अभी तक ठीक था, लेकिन फिर भी सब लोग इलाज कराते हैं। नहीं, मर जाऊंगा लेकिन नहीं करूँगा, चमचागिरी क्या है, क्या फायदा, ऐसे सकुट का रोटी तो खाते थे, रेमिगेशन का कम से कम कितने साथ में काम किया हूँ, चाहे कम से कम बाप का ही तो चार पांच पिक्चर में किया उसका, कि भोजपुरी तो भी चली जा रही है, भोजपुरी खत्म हो रही है, खत्म ही हो रही है, अब कहाँ है, माँ बहन खेसारी जी जो कह रहे हैं कि हम साउथ से बड़ा बड़ा मूवी करने जा रहे हैं, हाँ किसी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात किए थे ना, कौन सी पिक्चर थी, हाँ क्या हवा हवा ही हो गई, आप कुछ भी बनाइए, दीदी के पार बनाइए, कहिए ना, फिल्म में कौन कौन रहे थे, पहली पिक्चर है गंगा किनारे बड़ा गाँव थी, सुपर डिपर हिट, बैरी कगरा थी वही सुपर डिपर हिट, उसके बाद पिया की प्यारी थी, मतलब बहुत सारी पिक्चर थी जो सुपर सुपर, जब ये मुनीम का या विलेन का ये जब करते थे, अब पहली बार बाप का रोल राजकुमार आर पांडे, ऑपरेशन हुआ था तभी से पैर का पंजा काम नहीं करता था, अब इसमें फिर हवा लग गया था तो समझ लीजिए कि मुँह टेढ़ा हो गया था, पैर भी कमजोर हो गया और हवा का रिएक्शन हुआ था, उससे मैं मरते मरते बचा, ये सब है और कुछ नहीं बेटा। पूरी फिल्म में पिता का किरदार निभाने वाले गोपाल राय जी अभी हमारे साथ हैं। गोपाल राय जी के बारे में हम बता दें कि गोपाल राय जी जो है लगभग 250 फिल्मों में पिता का किरदार निभाए हैं। भोजपुरी के एक से एक बड़े कलाकार मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहू, पवन सिंह, खेसारी, तमाम वो बड़े बड़े कलाकार जिनके साथ इन्होंने 250 फिल्में की हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज 3 सालों से बीमार पड़े हैं, इनका पैर का कंडीशन इतना ख़राब हो चुका है कि जो पैर जो है अभी काम नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि भोजपुरी में तमाम वो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े चीज़ें करते हैं, लेकिन इनका जो है ना अभी इतना ख़राब कंडीशन है, चाहे वो आर्थिक कंडीशन हो चाहे कुछ भी हो, इनकी पैसे की अभी सख्त ज़रूरत है, लेकिन कोई जो है एकेश लाल यादव को छोड़ के बाकी कोई जो है इनको मदद नहीं करता है। एक बार पवन सिंह किए थे, खेसारी लाल यादव तो बाकी तमाम लोगों को मदद करते हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग जो भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं उनको मदद नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है। अब इनसे हम बात करते हैं कि आखिर जो है इनको ये सारी तकलीफें क्यों हुई, अगर इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बाद आज इनका ये कंडीशन है तो कैसे है, सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। चलिए बात, पहले नमस्कार, मेरा स्वीकार कीजिए। नमस्कार बाबू, कब से बीमार हैं? कम से कम 3 साल, वो तो 10 साल पहले ही जो ऑपरेशन हुआ था तभी से पैर का पंजा काम नहीं करता था, अब इसमें फिर हवा लग गया था तो समझ लीजिए कि मुँह टेढ़ा हो गया था, पैर भी कमजोर हो गया और हवा का रिएक्शन हुआ था, उससे मैं मरते मरते बचा, ये सब है और कुछ नहीं बेटा, बस मालिक की दुआ से और सब ठीक है, बस पैर का दोबारा ऑपरेशन नहीं हो सकता, सभी डॉक्टर से पहले पूछा, सब डॉक्टर ने एक ही बात बोला कि इसकी गारंटी कोई नहीं है। कितने फिल्मों में काम किए होंगे? कब से कब गिनने जाए तो 250 से भी ज़्यादा ही होगा, 250।
से ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं होगा। सुपरहिट फिल्में कौन कौन रही? बहुत थे। पहली पिक्चर है गंगा किनारे मेरा गांव थी, सुपर डिपर हिट। उसमें बैरी कगला थी, वो भी सुपर डिपर हिट। उसके बाद पिया की प्यारी थी, मतलब बहुत सारी पिक्चर थी सुपर सुपर। जब ये मुनीम का या विलन का ये जब करते थे, अब पहली बार बाप का रोल राजकुमार हर पांडे डायरेक्टर जो हैं वो रेतिया ले गया है मुंबई से, और उन्होंने मुझे बोले यार बताओ तो सही, वो अभी तक हमारा सीन नहीं बताया क्या है। बोले कि चलो ये भैया वहीं सेट पे बता देंगे। चलो ठीक है। फिर उन्होंने सेट पे मुझे सीन दे दिया। अरे अरे तो ये दिनेश का बाप का रोल है, नीरव जी का। हाँ ये क्या कर रहे तुम? बोले भैया आप कीजिए, आपका सबक कोई नहीं कर सकेगा। कि आप कीजिए भैया, कि अगर नहीं चलेगी तो लिस्ट सहेलिया बना रहे हैं, उसमें विलन बना देंगे आपको। कौन फिल्म थी वो? कौन फिल्म थी जो? लगल है राजेश, लगल रहे नीरव जी का। हाँ अब राज भट्ट में था तो सारा इतनी चल गई, इतनी चल गई पूछो मत। उसके बाद सात सहेलियाँ बना है, उससे बाप का ही रोल दे दिया। सात सहेलियाँ बहुत हिट फिल्म रही थी नीरव जी का, बहुत हिट। उसमें भी उसका बाप का रोल दे दिया, तो सब हिट 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 हिट। उसके बाद क्या क्या है सब, निरहुआ हिंदुस्तानी, तो राजा बाबू, निरहुआ चल लंदन, तो और क्या क्या मतलब बहुत थी। मनोज तिवारी के साथ कौन कौन फिल्म? ऐसे निगेटिव तो बहुत किया उनके साथ। बाप का जैसे शुरुआत किया ये 13 नंबर 501 तो सब सदी बन गए। रवि किशन के साथ तो बहुत निगेटिव किया था। एक पिक्चर थी, क्या पिक्चर का नाम था, जिसमें मैं रवि इसका दिनेश का भाई का रोल किया था। रवि और दिनेश दोनों दोस्त रहते हैं, देखो पंकज के स्थिति भी होता उसमें। क्या पिक्चर का नाम था, धर्मात्मा, वो पिक्चर भी हिट हो गई। मतलब एक होता है ना हिट का लेवल लगना बहुत अच्छा होता है, तो यही सब है। बाबू चले गए, उसके बाद हमारे पटना के पुरुषोत्तम सुखचंद्र जैन जी थे, उन्होंने अचानक मुझे बुलाया ऑफिस में, बोले गोपाल बस 5,000। अच्छा एक फिल्मों का कितना लेते थे जो फिल्में सुपर हिट हुआ करती थी? लगल रहा राजा जी के बाद 30-35, 40-30-35, 40 हज़ार मिलता था इतना बस। एक एक फिल्म करने में लमसम 2-3 महीने लग जाते हैं? नहीं अपना जितना दिन का काम हुआ काम किए, और उसके बाद डबिंग वबिंग किए, क्लियर किए पैसा बस। अच्छा इंडस्ट्री आप सारा कि भोजपुरी तो भी चली जा रही है, भोजपुरी खत्म हो रही है, खत्म ही हो रही है। अब कहाँ है माँ बहन खेसारी जो कह रहे हैं कि हम साउथ से बड़ा बड़ा मूवी करने जा रहे हैं? हाँ किसी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात किए थे ना। कौन सी पिक्चर थी? हाँ कहा हवा हवा ही हो गई। आप कुछ भी बनाइए, रेतिया के पार बनाइए, कहिए ना। मैं कला नहीं है, वो कलाकार नहीं है। कच्चे धागे में मैं उसका बाप बना था। वो पिक्चर देखी, चाहे जितना मैं बाप बना उसका पिक्चर देखी, जिसमें मैं उसका बाप नहीं हूँ पिक्चर भी देख लीजिए। तो क्या होता है कि एक तो चमचागिरी चलती है बेटा। एक बात है कि मैंने आज तक किसी का चमचागिरी नहीं किया, तभी तो आपका हालत यह है। हाँ अगर किया होता तो आज आप अच्छे होते, बीमार होते फिर भी सब लोग इलाज कराते। नहीं मर जाऊंगा लेकिन नहीं करूँगा। चमचागिरी क्या है, क्या फायदा? ऐसे सकुट का रोटी तो खाते थे,
रेमिगेशन का कम से कम कितने साथ में काम किया हूँ, चाहे कम से कम बाप का ही तो चार पांच पिक्चर में किया उसका, धर्मात्मा थे ही तो वो क्या क्या तो करने का मतलब है, खिचारी का भी चार पांच पिक्चर में किया, सेनाबाद गया होगा, देवभाग गया, कितनी पिक्चर में किया। रविकिशन के साथ में यही हुआ था शुरू शुरू में, डिस्ट्रैक्ट टाइम में तब हम लोग डरे पैसा नहीं मांगते थे, काम करते गए पैसा नहीं पाए कभी तो। अच्छा क्या क्या तकलीफ है अभी गोपाल राय जी? हमको बस सिर्फ माली हालत की तकलीफ है, पैर जो है एकदम कमजोर हो गया, ये पंजा मेरा ऊपर नीचे नहीं होता है, ये ऑपरेशन के टाइम से ऐसा है। और बाद में क्या क्या बीमार पड़ा सबका, ये हुआ हार्ट का भी हुआ था, तो जय बीरू का शूटिंग कर रहे थे हैदराबाद में, तो वहाँ भी मतलब हार्ट का प्रॉब्लम होता तो इलाज उलाज हुआ वहाँ, तो अभी तक ठीक था। लेकिन कौन कौन लोग मदद किए उसमें जब ऑपरेशन हुआ? अपने हम सिर्फ धीरेज था, नीरव जी बाकी कोई नहीं। ऑपरेशन के बाद जब डिस्चार्ज हो गया है घर पे, तो 25,000 रुपया पवन जी भेजे थे। पवन से? हाँ, आई मनोज तिवारी, रवि किशन, ये लोग को बातें नहीं होती तो फोन भी नहीं उठाता था ना, सबका सिक्योरिटी उठाता है, उन लोग का सिक्योरिटी फोन उठाता आपका फोन? इसका पिता का किरदार हुआ है जी, खेसारी पहले उठाता था। आगे मुझे आगे।